हाई एवरी वन वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास सिक्स की जो एन सी ई आर टी है जियोग्राफी की उसे हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं एंड इस पर्टिकुलर बुक का नेम है दी अर्थ आवर हैबिट आर्ट एंड इसमें जो है टोटल सिक्स चैप्टर्स हैं राइट जिन्हें हम यहाँ पे कवर करेंगे एंड जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि क्लास सिक्स की जो एन सी ई आर टी है जियोग्राफी की इसे पढ़ने के बाद में जो आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है राइट बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दी ज्योग्राफी वो यहाँ पे जो है कवर हो जाएंगे तो अब तक हमने यहाँ पे जो है सोलर सिस्टम के बारे में जो है बात की है राइट सोलर सिस्टम में जो है क्या क्या चीजें आती है हमारा अर्थ हो गया बाकी प्लैनेट्स हो गए सैटेलाइट्स हो गए राइट right, सन के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी स्टार्स के बारे में बात की थी मून के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं उनके बारे में बात की थी राइट right? तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख चुके हैं एस्ट्रॉइड हो गए मिट्रॉइड्स हो गए तो ये फर्स्ट चैप्टर में हमने कवर किया था एंड आफ्टर डैट जो है हमने यहाँ पे जो है ग्लोब के बारे में भी बात की थी अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन को फाइंड करना है तो हम जो है ग्लोब की हेल्प से जो है फाइंड कर सकते हैं एंड अगर हमें जो है उसका लैटीट्यूड एंड उसका जो लॉन्जिट्यूड है वो यहाँ पे पता हो तो लैटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप जो है सेकंड चैप्टर को जो है कंप्लीट वे में देख सकते हो इसे मैंने जो है टू पार्ट्स में डिवाइड किया है एक में मैंने लेटीट्यूड समझाए हैं दूसरे पार्ट में जो है यहाँ पे लॉन्जिट्यूड्स को जो है कवर किया गया है राइट आफ्टर डैट जो है हमने यहाँ पे जो है बात की थी अबाउट दी मैप्स के बारे में भी हमने यहाँ पे बात की है ओके okay? तो मैप्स भी जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड नाउ

तो उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी इसमें जो है कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को हमने यहाँ पे समझा था एंड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है ना इन कॉन्टिनेंट्स के रिगार्डिंग वो हमने यहाँ पे कवर किए थे अपने प्रीवियस वीडियो में एंड अगर आपको इस चैप्टर को कवर करना है तो आप जो है इससे पीछे वाली जो वीडियो है वो यहाँ पे कवर कर सकते हैं तो आज जो है इसी चैप्टर को हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे एंड नाउ हम बात करेंगे अबाउट दी हाइड्रोस्फेयर ओके तो मेजर डोमेन्स में यहाँ पे जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा हमारा वो है हाइड्रोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर के बाद में जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा

राइट चाहे वो क्लाउड्स के फॉर्म में हो वो सारे यहाँ पे हाइड्रोस्फेयर में आ जाता है तो हमने देखा था कि जो है सेवेंटी वन परसेंट जो पार्ट है ना हमारे अर्थ का वो जो है वॉटर से ही कवर्ड है डेट इज वाई जो है अर्थ को हम यहाँ पे ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं ओके हाउ वर जो पानी है ना यहाँ पे इनमें इसमें से ओनली वन परसेंट जो पानी है ना वो ही पीने के लायक है बाकी सारा यहाँ पे जो है जैसे कि आपकी सीज हो गए बड़े बड़े ओशंस हो गए वो इसके अंडर आ जाते हैं तो उनका जो पानी है वो थोड़ा सा सॉल्टी है एंड वो जो है पीने के लायक नहीं है एंड जो आम ह्यूमन है वो उसे पी नहीं सकता है तो ये चीजें हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में एंड आज हम यहाँ पे जो है आगे कंटिन्यू करेंगे हाइड्रोस्फेयर के बारे में ही जो है आगे पढ़ेंगे ओके तो हाइड्रोस्फेयर में आप जो है सबसे पहला जो कॉम्पिने जो कॉम्पोनेंट आता है वो है ओशियंस राइट तो डिफरेंट ओशियंस यहाँ पे हाइड्रोस्फेयर के अंडर आते हैं तो मैंने आपको बताया भी था हमने यहाँ पे पीछे मैप के बारे मैप को भी देखा था यहाँ पे अच्छे से जब हम कॉन्टिनेंट्स को देख रहे थे तो कॉन्टिनेंट्स के बीच में यहाँ पे जो है आपको डिफरेंट ओशियंस देखने को मिलेंगे जो कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड करते हैं राइट तो ओशंस जो है दीज आर दी मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर ये सारे ओशंस जो है ये इंटरकनेक्टेड हैं। हाउएवर जो आपके कॉन्टिनेंट्स है दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड तो इन ओशंस की वजह से ही जो कॉन्टिनेंट्स है वो डिवाइडेड है ओके सो द ओशन वाटर जो होते दे आर ऑलवेज मूविंग वो हमेशा मूव करते रहते हैं तो इन ओशंस की ये जो ओशंस होते हैं जो समुद्र होते हैं ना इनकी मूवमेंट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो तीन जो है मेन मूवमेंट्स होती हैं इन ओशंस की ओके okay, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो ओशंस हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं तो तीन जो है मेन इनकी मूवमेंट्स होती हैं एक होती है इनकी वेव्स ओके एंड दूसरी होती है टाइट्स एंड तीसरे होते हैं ओशियन करंट्स ओके तो ये जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है एंड वेव्स के बारे में टाइड्स के बारे में एंड ओशन करंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे ये वेव्स किस तरह से बनती हैं टाइड्स किस तरह से बनती हैं ओशन करंट्स किस तरह से बनते हैं ये हमारे जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें हम यहाँ पे कवर करेंगे अभी के लिए आपको जो है जस्ट ये याद रखना है कि ओशन्स की जो है तीन मेन मूवमेंट्स होती हैं एक होती है वेव्स दूसरी होती है टाइड्स तीसरी होती है यहाँ पे ओशन करंट्स ओके तो हमारे पास जो है टोटल फाइव मेजर ओशन है एक है पैसिफिक ओशन द नेक्स्ट वन इज द एटलांटिक ओशन थर्ड वन इज द इंडियन ओशन एंड साउदन ओशन एंड द आर्कटिक ओशन इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज ओके तो इन इनके जो है साइज़ेस भी हैं कई तो बहुत बड़े हैं पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे लार्जेस्ट ओशन है एंड जो आर्कटिक ओशन है वो सबसे छोटा ओशन है Okay, तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है पैसिफिक तो ओशन है एंड धरती का जो वन थर्ड पार्ट है ना वो इसने यहां पे कवर कर रखा है एंड जो मरियाना ट्रेंच है ये भी आपको याद रखना है कि मरियाना ट्रेंच जो कि हमारी धरती का सबसे डीपेस्ट पार्ट है हमारी धरती का जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है ना राइट right, इसके जो है काफी ज्यादा जो है ये नीचे है ओके okay, जो मरियाना ट्रेंच है वो पैसिफिक ओशन में ही हमें देखने को मिलता है मरियाना ट्रेंच ओके सो द पैसिफिक ओशन जो है इसकी शेप की अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट सर्कुलर है ओके तो पैसिफिक ओशन जो है ये ऑलमोस्ट सर्कुलर है तो so ये आप देख सकते हो दिस वन इज योर पैसिफिक ओशन तो वन ओके तो ये सर्कुलर है हमारी धरती भी गोल है तो यहाँ से ये वाला एरिया हो गया एंड इधर से ये वाला एरिया हो गया ओके okay, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट सर्कुलर बनता है उसके बाद में आपका एटलांटिक ओशन है ये हो गया आपका आर्कटिक ओशन जो कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है उसके पास है नीचे आपका जो है एंटार्क्टिका हो गया ये आपका जो है यहाँ पे साउथ पोल पे है एंड उधर आपका इंडियन ओशन हो गया ओके इंडियन ओशन जो है ये आपका ओनली ओशन है जो कि किसी जिसका जो नेम है जिस ओशन का नेम जो है वो किसी कंट्री के ऊपर पड़ा है तो इंडियन ओशन जो है ये ओनली ओशन है जिसका जो नेम है वो किसी कंट्री के ऊपर पड़ा है कौन सी कंट्री है वो इंडिया ओके तो इन्हीं के बारे में जो है आगे देखते हैं थोड़ा सा डिटेल्ड वे में सो पैसिफिक ओशन की अगर हम बात करें तो उसके इर्द गिर्द हमें कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो देखने को मिलती है एशिया ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका जो है वो इसे सराउंड करती है सो द नेक्स्ट वन इज द एटलांटिक ओशन ओके एटलांटिक ओशन जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है पूरे वर्ल्ड का एंड इसकी जो शेप है वो एस है ओके एस शेप में है ये जो एटलांटिक ओशन है आपका एंड इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन दी वेस्टर्न साइड वेस्टर्न साइड में इसके नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है एंड ईस्टर्न साइड में जो है इसके यहाँ पे अफ्रीका है सो द कोस्ट लाइन ऑफ एटलांटिक ओशन तो जो कोस्ट लाइन होती है ना यहाँ पे ये एक कोस्ट लाइन है इट इज नॉट ऑफ एटलांटिक हाउ जस्ट आपको बता रही हूँ कि इधर ओशन है एंड इधर जो है लैंड है यहाँ पे तो ये होती है कोस्ट लाइन ओके तो ये भी जो है टेडी मेडी है इसकी ये इंटे हाईली इंटेंटेड है हाईली इंटेंटेड का मतलब होता है ये टेडी मेडी है ऐसी है ओके बिल मीस जो है ये बिल्कुल प्लेन नहीं है टेडी मेडी है तो इरेगुलर है एंड इसकी वजह से जो है ना यहाँ पे इन एरियाज में जो नेचुरल हार्बर्स जो है वो बनाए जा सकते हैं एंड पोर्ट्स जो है वो भी इजीली यहाँ पे बनाए जा सकते इसकी इस शेप की वजह से सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स अगर हम बात करें कि व्यापार करने की वजह से जो है ना जो एटलांटिक ओशन है वो सबसे बिजिएस्ट ओशन है यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे हार्बर्स जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे सो द नेक्स्ट वन इज दी इंडियन ओशन एंड इंडियन ओशन जो है एक ऐसा ओनली ओशन है जिसका जो नेम है वो किसी कंट्री के ऊपर पड़ा है दैट इज इंडिया एंड जो शेप है ना यहाँ पे इंडियन ओशन की वो ट्राइंगुलर है राइट right? ट्राइंगुलर है एंड इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाई द एशिया नॉर्थ की तरफ जो है एशिया है एंड इन द वेस्ट जो है अफ्रीका है एंड ईस्ट में इसका जो है ऑस्ट्रेलिया पड़ता है सो द फोर्थ वन इज दी साउदन ओशियन तो साउद ओशन की अगर हम बात करें इट इन सर्कल कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका नीचे एंटार्टिका की तरफ आ जाए एंड एक्सटेंड नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ लेटिट्यूड सो उसके बाद में आ गया आपका आर्कटिक ओशन तो ये जो है आर्कटिक सर्कल के पास पड़ता है एंड सराउंड नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल के पास है ये बिल्कुल एंड इट इज कनेक्टेड विद द ओशन तो जो आर्कटिक ओशन है ना वो यहाँ पे ये यह आप आपका पैसिफिक ओशन है इधर आपका आर्कटिक ओशन है तो ये आपस में जो है ना यहाँ पे कनेक्टेड है ओके ये आपका रशिया है इधर यूएसए है तो ये दोनों ही जो है आपस में कनेक्टेड है ये पानी इधर भी जाता है इधर भी जाता है यहाँ पे तो एक ऐसी स्ट्रेट है यहाँ पे तो उसके थ्रू जो है ना ये दोनों ही जो ओशन है वो आपस में कनेक्टेड है उस स्ट्रेट को हम बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं इधर आपका पैसिफिक ओशन है इधर आपका आर्कटिक ओशन है तो ये एक बेरिंग स्ट्रेट है छोटी सी यहाँ पे जो है हम बोल सकते हैं नाला जिसे हम बोल सकते हैं स्ट्रेट है इसकी वजह से जो है ये आपस में कनेक्टेड है ओके सो इट इज बाउंड बाय द नॉर्दन कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरेशिया सो ये तो था हमारा हाइड्रोस्फेयर का पार्ट तो अब तक हमने लीथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर दोनों ही जो है यहाँ पे पार्ट डोमेन्स जो है वो कवर कर लिए हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास एटमोस्फेयर राइट right? एटमॉस्फेयर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस तो एटमॉस्फेयर में जो है आपका जो भी गैसेस वाला पार्ट है ना वो सारा आपका कहाँ पे आ जाता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हो गया राइट right? या फिर सीओ टू हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गई तो हमारे एटमॉस्फेयर में आपको ये गैसेस भी जो है वो देखने को मिलती है जस्ट जो है आप इसे फील कर सकते हो तो जो है देखने को तो नहीं मिलती है एंड दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटेग्रल एंड द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट एंड इट प्रोवाइड अस विद दी एयर तो इस एटमॉस्फेयर में हमें जो है वो हवा मिलती है जिसकी वजह से हम यहाँ पे सांस ले पाते हैं एंड यही वाली जो गैसेज है वो हमें जो सनरेज आती है ना हार्मफुल सनरेज आती है राइट तो उससे हमें बचाती भी है राइट तो एटमोस्फियर जो है ना यहाँ पे एक्चुअल में अगर हाइट की बात करें राइट हाइट की अगर हम यहां पे बात करें तो इट एक्सटेंड अप टू दाइट ऑफ अबाउट सिक्सटीन हंड्रेड किलोमीटर ओके तो ऊपर की अगर हम यहां पे बात करें तो अप टू सिक्सटीन हंड्रेड किलोमीटर तक यहाँ पे एटमोस्फेयर जो है वो एक्सटेंड होता है उसके ऊपर जाके तो फिर यहाँ पे आपको गैसेज ही नहीं मिलेंगी आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा सो so जो एटमॉसफेयर है ये जो पूरा एटमोस्फेयर है यहाँ पे आप रह रहे हो इससे ऊपर तक जो है ना यहाँ पे टोटल फाइव लेयर्स है एटमोस्फेयर की जो है टोटल फाइव लेयर्स बनती है इस सोलह सौ किलोमीटर में ही यहाँ पे आपकी जो है फाइव लेयर्स जो है वो बनती हैं बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज ओके तो इन लेयर्स में जो है जो कॉम्पोजिशन होता है गैसेस का वो डिफरेंट है टेम्परेचर भी इन लेयर्स में डिफरेंट होता है सभी लेयर्स में एंड इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है ओके okay? तो इन लेयर्स को जो है हम क्या बोलते हैं दीज लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम दी अर्थ सर्फेस अर्थ की सर्फेस जहां पे आप रह रहे हो ना वहां से ये लेयर स्टार्ट होती हैं एंड अप टू सिक्सटीन हंड्रेड किलोमीटर ऊपर तक ये जाती हैं। तो पहली है आपके यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं आप रह रहे हो एंड अगर उसके ऊपर चला चले जाए थोड़ा सा तो यहाँ पे आपकी आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ पे आपको प्लेन भी जो है दिखाई दे रहा है तो जिस लेयर में यहाँ पे प्लेन्स जो है वो फ्लाई करते हैं वो आपकी होगी स्ट्रेटोस्फेयर उसके बाद में आपके आके मेजोस्फियर ओके okay, एंड आफ्टर जो है यहाँ पे थर्मोस्फीयर, एंड उसके बाद में आपका आ जाता है एग्जोस्फियर तो इन सभी को जो है ना इन सारी लेयर्स को भी हम और भी डिटेल वे में कवर करेंगे आगे जाके जो है कवर करेंगे जस्ट जस्ट जो है अभी आपके लिए ये याद रखना जो है इंपॉर्टेंट है कि एटमोस्फियर में जो है क्या क्या चीजें आती हैं तो एटमोस्फेयर में जो है जो एटमोसफेयर को हम जो है टोटल फाइव लेयर्स में डिवाइड करते हैं एक है आपका ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फियर नीजोस्फेयर हो गया यहाँ पे आपके जो है स्टार्स वगैरह आ जाते हैं फिर थर्मोस्फियर सैटेलाइट्स आगे गए एग्जोस्फेयर जो है उसके भी ऊपर यहाँ पे जो है वो आपको देखने को मिलता है ओके सो द इट वॉज इज कंपोस्ट मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन तो इसमें जो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है ये मेनली आपको देखने को मिलेगा एंड विच मेक अप अबाउट नाइंटी नाइन परसेंट ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर नाइट्रोजन जो है 78 परसेंट होती है ऑक्सीजन जो है 21 परसेंट है एंड बाकी जो गैसेज है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एरगोन राइट ये सारी जो है पूरे वॉल्यूम की अगर हम बात करें इसका एक परसेंट ही वॉल्यूम बनता है तो ऑक्सीजन जो है ये इसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं एंड उनती अदर है नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है ये ग्रो करने में हेल्प करती है सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत ही कम मात्रा में है बट हाउ एवर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है एंड एज इट एब्जर्व हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ एंड ये जो है सारी हीट जो है ना जो अर्थ रेडिएट करती है अपनी तरफ उसे जो है एब्जर्व कर लेती है एंड देव कीपिंग द प्लैनेट फॉर्म सो इट इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट तो ये जो प्रोसेस है ना यहाँ पे रेडिएशन का हीट रेडिएशन का इसे भी जो है आगे जाके समझेंगे अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है कि जो है अर्थ अर्थ के पास जो भी यहाँ पे हीट आती है सन के थ्रू जो भी हीट यहाँ पे अर्थ के पास आती है तो जो है ना हमारा प्लेनेट वॉर्म किस तरह से होता है इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही होता है तो क्या होता है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारी हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड इसी की वजह से हमारा जो प्लेनेट है वो वॉर्म होता है तो हाउएवर यहाँ पे अगर ये चीजें ना हो तो हमारा प्लेनेट जो है वो ठंडा रहेगा एंड हम जो है यहाँ पे एक लाइफ अगर हम बात करें लाइफ जो है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी सो द डेंसिटी ऑफ द एटमोसफेयर वेरीज विद दी हाइट तो आप जो है ना यहाँ पे हाइट के अकॉर्डिंग ही जो एटमोसफेयर की डेंसिटी है एयर की जो डेंसिटी है ना वो यहाँ पे चेंज होती रहती है जैसे जैसे हम यहाँ पे ऊपर जाते हैं हाइट में राइट right? सो so, जो डेंसिटी है एयर की वो सी लेवल पे ज्यादा होती है एंड अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाए एटमोसफेयर में जैसे सिक्सटीन हंड्रेड किलोमीटर से भी ऊपर चले जाए तो वहां पर तो एयर आपको मिलेगी ही नहीं तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो क्लाइंबर्स होते हैं जैसे कि वो पहाड़ियों के ऊपर चढ़ते हैं तो जब वो सबसे ऊपर चले जाते हैं हाइट पे चले जाते हैं ना उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि वहां पे जो है ना एयर की डेंसिटी जो है वो कम होती जाती है तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि जैसे जैसे यहाँ पे जो है हाइट जो है वो इंक्रीज होती है तो जो एयर की डेंसिटी जो है वो यहाँ पे डिक्रीज होती जाती है ओके जैसे जैसे यहाँ पे हाइट इंक्रीज होती जाती है तो एयर की डेंसिटी जो है वो वहां पे डिक्रीज होती जाती है तो हाइट पे हम ये बोल सकते हैं कि एयर जो है वो बहुत ही कम होती है सो so, उन्हें अपने पास जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखने रखने पड़ते हैं सो डैट की वो हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर जाके भी जो है ना वो सांस ले पाए ओके सो so, इवन अगर हम बात करें जैसे ही यहाँ पे हम अपवर्ड्स जाएंगे एक तो एयर की जो डेंसिटी है वो भी यहाँ पे डिक्रीज होती जाती है एयर डेंसिटी डिक्रीजेस जैसे जैसे यहाँ पे जो हाइट बढ़ती है दूसरा और क्या डिक्रीज होता है यहाँ पे जो टेम्परेचर है ओके okay? जैसे जैसे हम यहाँ पे हाइट पर जाएंगे तो जो टेम्परेचर है ना इट ऑल्सो डिक्रीजेस राइट तो जो टेम्परेचर है वो भी यहाँ पे कम होता जाता है जैसे जैसे हम यहाँ पे ऊपर जाते हैं राइट right? तो दो चीजें हैं जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती है ऊपर जाते हैं हाई एल्टीट्यूड्स पे हम यहाँ पे जाते हैं तो एयर जो है वो भी कम होती है मीन ऑक्सीजन भी वहां पे कम मिलती है एंड जो टेम्परेचर है वो भी यहाँ पे डिक्रीज होता जाता है राइट सो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन अर्थ एंड दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आप जो है ना यहाँ पे Uh, कुछ एरियाज में हमें जो है हाई प्रेशर देखने को मिलता है एंड कुछ एरियाज में हमें जो है लो प्रेशर देखने को मिलता है एंड इस एट ये जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के ऊपर जो है प्रेशर भी डालता है तो कई जगह पे हमें हाई प्रेशर देखने को मिलता है कई जगह पे हमें लो प्रेशर भी देखने को मिलता है तो इसी प्रेशर की वजह से ही यहाँ पे जो एयर है ना वो मूव करती है ओके तो जो एयर है वो मूव किस तरह से करती है इस प्रेशर की वजह से तो किस दिशा में मूव करती है वो हाई प्रेशर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा ही जो एयर है वो मूव करती है मीन जिस दिशा में यहाँ पे लो प्रेशर होगा सपोज इस एरिया में यहाँ पे जो है लो प्रेशर है एंड यहाँ पे हाई प्रेशर है ओके तो यहाँ से हाई प्रेशर से हमेशा ही जो है एयर किस तरफ मूव करेगी वो लो प्रेशर की तरफ ही जो है वो मूव करेगी ओके, okay? सो so, ये जो एयर जब मूव करती है तो इसे हम जो है क्या बोलते हैं इसे हम विंड बोलते हैं इसे हम हवा बोलते हैं ओके सो जो नेक्स्ट डोमेन है इट इज अ अफेयर ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं अपनी प्रीवियस वीडियो में कि जिस एरिया में राइट एक हमारी जो धरती होती है उसका कुछ एरिया जो है वो लिथोस्फियर होता है ओके okay? एंड कुछ एरिया जो है वो यहां पे आपका बन जाता है एटमोस्फेयर का एंड कुछ एरिया जो है वो आपका हाइड्रोस्फेयर का बन जाता है ओके okay? सपोज ये हो गया आपका लिथोस्फीयर, ये हो गया आपका हाइड्रोस्फेयर एंड ये हो गया आपका एटमोस्फेयर राइट right? तो आप क्या होता है कि यहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं यहाँ पे आपको जो है ये तीनों ही चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी ओके यहाँ पे आपको जो है कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे आपको ये तीनों ही चीजें जो है देखने को मिलेंगी वीन जो है ये ओवरलैप करते हैं यहाँ पे लिथोस्फेयर भी है हाइड्रोस्फेयर भी है एटमोस्फेयर भी है उस एरिया को हम क्या बोल देते हैं उस एरिया को हम यहाँ पे बायोस्टिर बोल देते हैं और वी कैन कॉल इट एज डोमेन ऑफ लाइफ मीन जो है यहाँ पे लाइफ होती है सपोज कीजिए यहाँ पे जहाँ पे पानी है सिर्फ पानी ही पानी है हवा नहीं है एंड ना ही वहाँ पे अर्थ है मीन सरफेस uh, है तो वहां पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है एंड अगर सपोज करिए यहाँ पे जो है, जो है जस्ट सरफेस ही है एंड पानी भी नहीं है एंड हवा भी नहीं है वहां पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे अगर बात करें ओनली गैसेज है एंड यहाँ पे हमारे पास लिथोस्फीयर नहीं है हाइड्रोस्फीयर नहीं है तो वहां पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है तो लाइफ जो है उसी एरिया में पॉसिबल होगी यहाँ पे आपको ये तीनों चीजें जो दे। है वो देखने को मिलेंगी लैंड वाटर एंड एयर ओके सो बायोस्फीयर क्या होता है एक ऐसा नैरोजन नैरोजोन होता है ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड वॉटर एंड द एयर सो इट इज इन द जोन डेट जो लाइफ है राइट right, वो यहाँ पे अवेलेबल होती है दैट इज यूनिक टू दिस प्लेनेट एग्जिस्ट राइट तो ये चीज जो है ओनली अर्थ में ही आपको देखने को मिलेगी बाकी किसी प्लेनेट में भी जो जो है है ये वाला जोन जो है, वो देखने को नहीं मिलता है ओके okay? तो यहाँ पेवर स्पीशीज uh, होती हैं ऑर्गेनिजम्स की डेट वेरी इन साइज फ्रॉम द माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू द्यूज मैमर्स छोटे से छोटे यहाँ पे बैक्टीरिया से लेकर जो है बड़े बड़े मैमर्स जो है वो रह पाते हैं एंड ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें ह्यूम्स भी आते

फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे फॉरेस्ट को काट दें अपनी जो वुड की नीड को फुलफिल करने के लिए और क्लियरिंग द लैंड फॉर एग्रीकल्चर या फिर हम लैंड को क्लियर कर रहे हैं फॉरेस्ट को काट काट रहे हैं कि हमें यहाँ पे खेती करनी है तो इसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे जो सॉयल है ना जो स्लॉब्स के ऊपर जब जैसे स्लॉब्स होती है ना राइट अगर हम यहाँ पे पेड़ हैं तो इस इन पेड़ को अगर हम यहाँ पे काट दें इन प्लांट्स को अगर हम यहाँ पे काट दें तो नीचे जो सॉइल होगी ना जो सॉइल यहाँ पे एक तरह से इन पेड़ के जड़ों के साथ जो है इकट्ठी हो रखी होती है वहां पे राइट तो अब हम पेड़ काट देते हैं तो ये जो सॉयल है ना वो वहां से लॉस हो जाती है जब कभी भी यहाँ पे बारिश होगी या फिर एयर होगी ओके तो इसकी वजह से क्या होता है कि कटिंग ऑफ फॉरेस्ट की वजह से फास्ट रिमूवल होता है ऑफ दॉयल फ्रॉम द स्लोब्स राइट सिमिलरली अर्थ की सरफेस जो है इट मे बी चेंज ड्यू टू दी नेचुरल कैलामाइट्स एंड कभी कभी यहाँ पे जो है अर्थक्वेक्स भी आ जाते हैं नेचुरल कैलामाइटीज आ जाती है तो उसकी वजह से भी जो अर्थ के सरफेस है वो चेंज हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक जो है अर्थ को एक की वजह से जो है कोई लैंड समर्ज भी हो सकती है एंड रिसेंटली यहाँ पे सुनामी आई थी तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो कुछ पार्ट है ना वो वाटर के अंदर जो है वो सबमर्ज भी हो गया था उसके अलावा जब यहाँ पे वेस्ट मटेरियल जो है वो जाता है लेक्स एंड वाटर में तो उसकी वजह से जो वाटर है वो अनसुइटेबल हो जाता है फॉर दी ह्यूमन यूज एंड इवन जो है ये जो बाकी फॉर्म की होती है ना लाइफ की जो कि यहाँ पे लेक्स में जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे रह रहे होते हैं राइट जो लिविंग बींग्स वहां पे रहते हैं उनकी लाइफ को भी जो है ये डैमेज करता है ये वाला पानी जो होता है उसके अलावा इंडस्ट्रीज पे भी से जो है एमिशंस निकलते हैं थर्मल पावर प्लांट से एमिशंस निकलते हैं वाइकल्स जो है निकलती हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे जो एयर है वो भी पोल्यूट होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक तरह से ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है एयर का बट अगर यहाँ पे जो है सीओ टू की जो है ज्यादा इंक्रीज हो जाए क्योंकि सीओ टू जो है ना वो यहाँ पे कम ही चाहिए होता है हमारे एटमोसफेयर में एंड अगर जो है इसकी मात्रा बढ़ जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा वही चीज जो अभी भी हो रही है दिस ईयर भी ऐसा ही हुआ है कि ग्लोबल टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे सीओ टू जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है एंड दिस इज टर्म एज अ ग्लोबल वार्मिंग तो इसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोल सकते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो धरती के रिसोर्सेज है ना इन्हें हमें इसकी जो नीड है ना वो हमें यहाँ पे लिमिट करनी होगी सो so डेट के जो नेचर का बैलेंस है ना वो यहाँ पे मेंटेन रहे बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फेयर एटमोसफेयर एंड द दाइड्रोस्फेयर राइट सो विव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट अर एंड न्यू टॉपिक वो हम यहाँ पे कवर करेंगे एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूले थैंक यू सो मच हैव अय